इतनी भीड़ है भाई, छठ पूजा है ना, तो बहुत भीड़ है भाई आज। अब पता नहीं क्षेत्र क्या हाल चाल होने वाला है। अब चलते अंदर सीधे। तो भाई ट्रेन आ चुकी है, ये हमारे पीछे का नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो भाई फाइनली अपने गाँव पहुँच चुके हैं। देखो ये हमारे गाँव का जो है भाई बाहर का ग्राउंड है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका मैं नए व्लॉग में। फिलहाल अभी मैं हूँ घर पे और आज मैं जा रहा हूँ गांव छठ पूजा मनाने के लिए। और फिलहाल अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, हमारी जो ट्रेन है वो है 5:30 बजे की। तो फिलहाल जल्दी निकलते हैं और चलते हैं, सीधे पहुँचते हैं स्टेशन और दिखाते हैं आपको रास्ते का व्यू। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि बहुत भीड़ जा रही है अभी स्टेशन से, देखते हैं कैसी भीड़ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं और मिलते हैं सीधे आपको स्टेशन पर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रास्ते में। फिलहाल सीएनजी जो ऑटो जो है सीएनजी डलवा रहा है और हमारी जो ट्रेन का नाम है वो है सत्याग्रह, जिसका नंबर है 15245, उसे चलने वाले हैं हम लोग। देखो ये रहा मेरा रुद्र भाई, वहाँ पे ऑटो जो है मेरा दोस्त ही लेके आया, मुस्तकीम, आपने कई बार देखा होगा वीडियो में, वहाँ पर बनवा रहा है, वो भरवा रहा है ऑटो। और यहाँ से निकलते हैं, सीधे मिलते हैं फिर आप लोगों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि ट्रेन है सत्याग्रह जो कि जाएगी आनंद विहार से रैक्सॉल तक। तो भाई जी हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जस्ट अभी हमने एंट्री ली है। तो भाई जी हम ऑटो से उतर चुके हैं। देखो ये रुद्र, ये प्रियंका और ये हमारे प्रिय दोस्त मुस्तकीम से अभी सामान निकालते हैं ऑटो में से। और ये रहा मैं पीछे रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं, पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर टिकट जो हमारी ट्रेन है वो आने वाली है। देखो एक तो भाई ये बैग है और एक बैग मैंने टांग लिया अपने ऊपर, एक बैग में चीनी रसगुल्ले हैं यहाँ पे राशन वाली चीनी और एक बैग भाई ये रहा। तो कुल मिला के भाई 3 बैग हम लोग लेके आए हैं। अब चलते हैं भाई प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। ट्रेन का नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस, उसका निकलने का टाइम है यहाँ से शाम के 5:30 बजे का। और फिलहाल अभी करीब 4:30 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा पहले हम लोग आ गए। चलते हैं, मिलते सीधे आपको प्लेटफॉर्म पर। देखो ये रहा हमारा दोस्त। तो भाई ये आ गए स्टेशन पे आनंद विहार स्टेशन। देखो कितनी भीड़ है भाई, छठ पूजा है ना, तो बहुत भीड़ है भाई आज। अब पता नहीं स्टेशन क्या हाल चाल होने वाला है। अब चलते हैं अंदर सीधे। तो भाई ये स्टेशन के अंदर हम आ चुके हैं और हमारी जो ट्रेन आ रही है वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और फिर दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ है आज। देखो भाई ये है रुद्र डांस करते हुए, बहुत ही खुश है क्योंकि आज जा रहा है छठ पूजा मनाने के लिए गाँव। बड़ा साइड में भाई ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 आगे है, वो चल रहा कैसे, चलो रेडी भाई। ये देखो रुद्र को डांस करते हुए जा रहा है हमारा रुद्र। तो भाई इस फ़ोन की जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी सही नहीं है, तो भाई वो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। तो गाइस अभी ट्रेन का टाइम हो गया आने का, पर ट्रेन आने वाली है। और ये जो ट्रेन है ना, ये आनंद विहार से जा रही थी हमारे गांव तक, मतलब गोरखपुर के बाद जो स्टेशन पड़ता है बेसिकली उसका नाम पिपराइच। तो गोरखपुर मेन स्टेशन है, उसके बाद आता है पिपराइच, तो हमको जाना पिपराइच जो कि पहुँचाएगी सुबह 11 बजे। तो बस ट्रेन आने वाली है, 5 बज गए और 5 बजे आएगी और 6:30 बजे का डिपार्चर होने का टाइम है। तो बस आती है फिर दिखाते हैं आपको रास्ते के व्यू अच्छे, ठीक है। तो गाइस जी आ चुकी है ट्रेन। Not trying to be in there, not trying to be cool, just
Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, ये रही हमारे पीछे, इसका नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस। चलते हैं भाई, भीड़ तो हो गई, अभी चलते हैं सीधे और मिलते हैं ट्रेन के अंदर आप लोगों को। तो गाइस ये आ चुके हैं हम ट्रेन के अंदर। भाई मुझे लगा सत्याग्रह जो अंदर से बड़ी बेकार होगी, थर्ड ए सी मगर सही है भाई, बहुत बढ़िया है। इसके लिए हर सीट के लिए इंडिविजुअल जो है एक लाइट दिया गया है, देखो चल रहा है, काम भी कर रहा है, सीट बढ़िया है, ए सी भी अच्छा काम कर रहा है। देखो एक हमारी सीट नीचे जो ऊपर वाली है साइड अपर, और एक मिडिल वाली, वो वाली वो अच्छी है, ये सीट ऊपर वाली अपनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बस्ती, और ये रही हमारी ट्रेन। जस्ट अभी मैं सो के उठाऊँ, अभी हम पहुंचे हैं बस्ती फिलहाल, और यहाँ से करीब अब 2 घंटे का रास्ता और है, फिर पहुँच जाएंगे हम गोरखपुर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है पिपराइच। तो ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में, दिखाते हैं और कोई प्यारे प्यारे व्यू आते हैं तो, खेत वेत आएंगे बढ़िया बढ़िया, अभी यहाँ से हम चलेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे स्टॉपेज जो था 10 मिनट का स्टॉपेज है, कुछ चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये निकल चुके हैं बस्ती से, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है खलीलाबाद।
प्लेटफॉर्म, ज़्यादा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, ठीक है। ये तो कंडीशन है हमारा, बाकी आ गया है, अब उतरते हैं। देखो सामान वामान तो हमने यहाँ पर रख लिया है, ये सब लोग तैयार हो चुके हैं। रुद्र जो है बहुत ही एक्साइटेड है गाँव जाने के लिए, छठ पूजा मनाने के लिए। और ये रहा मैं, अब उतरते हैं, सामान वामान उतारते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस ट्रेन से उतर चुके हैं हम, और वो रही हमारी ट्रेन, देखो अभी खड़ी है। भाई साहब जिन्होंने आगे छोड़ा था पटरी पे, पटरी से उतर के फिर देखो रोड पे आ गए हम यहाँ पे। और ये ऑटो खड़ी है, कोई जानने वाला मिल गया था, उनकी ऑटो खड़ी है, इसी ऑटो चलते थे गांव। अब देखते हैं जा रहे कि नहीं जा रहे भाई, है ठीक है। देखो ये रुद्र, ये रही भाई प्रियंका, उतर चुके हैं, चलते हैं अब भाई। देखो गाँव कितना प्यारा गाँव हमारा, अभी तुम्हें दिखाऊँगा, अभी तो कह रहे शहर में फिलहाल, गाँव आगे जाके है। चुके हम निकल चुके हैं वहाँ से, देखो ये भाई अपने गाँव जा रहे हैं तो बैठ के, ये देखो ये रुद्र का देख लो भाई, ये हैं कुछ रास्ते। देखो ये है शुगर मिल पिपराइज की, ये है शुगर मिल भाई, रास्ते हो कितने बड़े रास्ते बने हुए हमारे गाँव में। बस यहाँ से 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट पहुँचाएंगे हम लोग। ये है हमारे गांव का रास्ता, देखो भाई ये है ईंट की भट्टी, यहाँ बनती है ईंट। देखो जी ये ईंट रखी पड़ी है बन बन के यहाँ पे, और ये है तो भाई ये है धान, भाई धान यहाँ पक चुके हैं, बस अब कटने वाले कुछ दिनों में भी। तो गाइस बस गांव पहुंचने वाले हैं, देखो ये रास्ता है हमारे गांव का, कुछ दोनों तरफ खेती खेत है भाई, देखो इधर भी खेत है इधर भी खेत है, गांव है, फिर 2-4 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा गांव, ऐसे यहां पे गांव होते हैं सारे, ठीक है। देखो यार रूट को बकरी चाहिए, रूट में बकरी मांग रहा है यहाँ पे। देखो भाई ये है गाँव के प्योर गाँव जो होते भाई, वैसे गाँव हमारे, देखो दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो गाँव ये है गन्ने, गन्ने लगे पड़े हैं, गन्ने भी बस तैयार हो चुके हैं, कुछ महीने में कटने लायक हो जाएंगे। तो देखो यहाँ भी है एक भट्टी ईंट की, तो बस पहले अपने गांव पहुँच चुके हैं। देखो ये हमारे गांव का जो है भाई बाहर का ग्राउंड है, और ये आगे पंचायत भवन है, और वो आगे हमारा गांव है, ये गांव है भाई। और ये हमने गांव में एंट्री ले ली, तो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। लूसी हमारे गांव का नाम है, लूसी यूनिक सा नाम बिल्कुल। भैया गांव में एंट्री ले ली हमने, अब सीधे मिलते हैं हम घर पे। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली अपने गाँव में घर पे, देखो ये हमारा घर, देखो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा भाई बना होना नहीं है, अभी ऐसे ही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये भी इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें दिखाऊंगा आपको छठ पूजा की जो पूजा वगैरह होती है उसको कैसे होती है वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।